डेरा सचा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की सबसे बड़ी राजदारहानी प्रीत आखिरकार सामने आ ही गई। बाबा राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद से पुलिस टीम को लगातार चकमा देती रही हानी प्रीत मंगलवार को एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू देती नजर आई। उन्होंने चैनल के माध्यम से खुद को बेगुनाह करार दिया। आगे पढ़िए और क्या बोली हानी प्रीत। यही नहीं, हानी प्रीत ने बताया कि राम रहीम पूरी तरह से निर्दोष है। इस बाबत वो बोली कि पापा और उनके बीच बेहद पवित्र रिश्ता है। आगे हाथ जोड़ती हुई वो बोली कि अब वे पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का रुख करेंगी और कानूनी सलाह लेंगी। गौरतलब हो हरियाणा पुलिस ने हनीप्रीत पर राजद्रोह व दंगे भड़कवाने का केस दर्ज किया है। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद पिछले 36 दिनों से हनीप्रीत फरार चल रही है। राम रहीम की गिरफ्तारी के बाद हरियाणा पुलिस चपे चपे पर हनीप्रीत को तलाशती फिर रही है। बता दें, पंचकूला में हिंसा भड़काने के आरोप में हनीप्रीत के खिलाफ सेक्टर 5 थाने में केस दर्ज है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा सचा सौदा प्रमुख की मुंह बोली बेटी हनीप्रीत पर आरोप है कि उसने साध्वियों से रेप के दोषी राम रहीम को पुलिस कस्टडी से छुड़ाने की साजिश रची थी। न्यूज चैनल्स को दिए इंटरव्यू में इतने दिनों तक गायब रहने के सवाल पर हनीप्रीत ने कहा कि उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा, मैं हरियाणा से किसी तरह दिल्ली गई, अब हरियाणा पंजाब कोर्ट में जाऊंगी। सरेंडर के सवाल पर हनीप्रीत ने कहा कि वह कानूनी सलाह लेंगी। मेरा चरित्र चित्रण गलत किया, चैंसे से बातचीत में हनीप्रीत ने कहा, आपने पूरी स्थिति देखी है, मैं कैसे दोषी हूँ? मैंने सिर्फ एक बेटी को किया है जो करना है, मैंने किसी से बात नहीं की है, मैं दंगों में कैसे शामिल हूँ? हम अदालत में विश्वास करते थे, मेरे पापा से मैं देशभक्ति की बात किया करती थी। क्या एक बाप अपनी बेटी के सिर पर हाथ नहीं रख सकता है? मीडिया में मेरा चरित्र चित्रण एकदम गलत किया गया है, मैंने अदालत पर विश्वास किया और न्यायालय गई। न्याय के लिए अब मैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट जाऊंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गुरुजी के साथ अपने संबंधों के बारे कही ये बात हनीप्रीत बोली, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि कोई कैसे पिता और बेटी के पवित्र रिश्ते पर सवाल कर सकता है। मेरी मुख्य चिंता यह थी कि मीडिया ने मुझे गलत तरीके से पेश किया, वे एक पिता और बेटी के रिश्ते को कैसे खराब कर सकते हैं।